सर्वप्रथम आह्वान करें परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 51वें पृष्ठ की 8वीं पंक्ति पर 27वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं और की रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तद अनुरूप साधना के दुरुपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी फेथ शिकार दैट कैन सर्वाइव डिफीट द श्योरनेस ऑफ लव दैट नोज नॉट डेथ द रेडियंस ऑफ ए ट्रूथ फॉर एवर श्योर ए लाइट ग्रोज इन हर शी अज्यूम्स ए वॉइस Her state she learns to read and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp. Herself and all of which she is the sign. गुरु के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्त सृजित सृष्टि में धरती पर जीवन एवं मानव तक के विकसित अभिव्यक्त रूपों के विकास की यात्रा में हमारी धरती पृथ्वी के रोम रोम में एक अखंड अखूट अटूट श्रद्धा प्रतिष्ठित हो जाने हेतु सदैव यह धरा प्रयत्नशील बनी रहती है जो सदैव भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास में अथक बल प्राप्त कर श्रमरत रहते हुए सतत क्रमशः उन्नततर विकासोन्मुख अभिव्यक्ति हेतु बढ़ते चलने का प्रयास करती रहती है किंतु अंतर में व्याप्त आत्म तत्व के ऊपर बायाकारित चेतना पर पड़े अचित आवरण से लिपटी रहने के कारण अनेक विधि प्रयासों उपरांत भी स्वयं धरती अपने को थकी हारी महसूस करती तो है। ऐसी परिस्थितियों में भागवत संकल्प सिद्धि हेतु किया जाने वाले प्रयास में वह ऐसी श्रद्धा की आकांक्षा करती है जो उदित भागवत संकल्प सिद्धि पथ पर सतत बढ़ते चले जाने के प्रयास में उपस्थित विपरीतताओं से कभी भी कमजोर न पड़े न कभी कोई हार न कभी मात ही खानी पड़े। इसी प्रकार से धरती माता एक ऐसे दिव्य प्रेम की शक्ति की अभीप्सा करती है जो शाश्वतता एवं स्वयंभू बनकर बाह्य किन्हीं भी परिस्थितियों से कभी भी प्रभावित और क्षण को न प्राप्त हो सृजित अस्तित्व कण कण में व्याप्त पूर्ण सचेतन आत्मा के समान
संपूर्ण बाह्याकारित जगत प्रेम पर आधारित एवं शक्ति संपन्न हो, ताकि धरती के दिव्य संकल्प सिद्धि के प्रयास से ऊर्ध्व गति करते हुए नित नवीन उन्नत विकसित स्वरूपों में सतत अभिव्यक्तिकरण खातिर निश्चयात्मक कदम उठा सके, ऐसा प्रेम जो बहु होने पर भी एकत्र भागवत शाश्वत दिव्य परमात्मा प्रेम हो, एक ऐसे प्रेम की निश्चयता जो कभी भी मृत्यु से छली न जा सके, और ठीक ठीक कहें तो ऐसा धरती का शाश्वत जीवन जो मृत्यु को जानता तक न हो, ऐसी धरती अभीप्सा करती, ऐसे परम सत्य की धरती मांग और अभीप्सा करती है जो अचित जनित असत अज्ञानांधकार की छाया से रहित सत्य का दैदीप्यमान प्रकाश जो एक से बहु बनकर सतत विकासोन्मुख बने रहकर राह में पड़ने वाले अंश सत्यों एवं मर्म सत्यों के आलोक की आवा को चमक को अपने असत अज्ञ एवं अंध छाया से कभी भी बाधा उपस्थित न कर सके, इससे बाहर निकलकर एक ऐसे शाश्वत अखंड शाश्वत सत्य की प्रदीप्ति की मांग करती जो सदा सदा अखंड अड़िग व्यक्त धरा जीवन में अभिव्यक्त सब कुछ में रह सके। धरती ऐसे दिव्य सत्य की प्रदीप्ति की मांग और अभीप्सा करती जिसकी किरणों की चमक कभी कम ही न हो। पृथ्वी के अणु परमाणु में व्याप्त सचेतन दिव्य अंश आत्मा के बाह्यावरण पर पड़े अचित आवरण के रहते उसके अथक भागवत संकल्प प्रयास में समस्त बाह्याकारों के भीतर की चेतना में जागृति आती जिससे वह वस्तुओं एवं जीवों के भीतर भागवत अंश की आत्म चेतना तथा बाह्य पदार्थ विषय दोनों के प्रति समान रूप से सचेतन होने लगती, तब वह अपनी जड़ीभूत अवस्था से दिव्य अवस्था में विकसित वर्धित होते हुए उपजी सक्रिय शक्ति से और अधिक जोर लगाकर और अधिक विकसित वर्धित होने के लिए उसी बल शक्ति से बिना किसी अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयास पर भी स्वतः यांत्रिकता से बढ़ने लगती। धरती के अस्तित्व के कण कण में व्याप्त भीतरी भागवत अंश में विद्यमान भागवत संकल्प सिद्धि का पूर्ण विभाव से अभिव्यक्तिकरण मार्ग पर बढ़ते हुए विकसित होती चली जाती है। बस फिर एक प्रकाश उगता और उसको एक वाणी मिल सकती है जिससे वह भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास से उन्नत उन्नतर स्तरों को सतत वृद्धिंगत विकासोन्मुक्ता की ओर बढ़ती नवीन शिखरों को छूती चली जाती है। तब इन विकसित स्वरूपों से सीखे ध्यान और निज संपादित कार्यों को पढ़ती है,
इतना होने पर भी वह निरासत्य शाश्वत एवं शाश्वतता जो उसे अपेक्षित है उसकी पकड़ जकड़ से माया से खिसक जाता, तब वह स्वयं और यह विकसित सृजन सब कुछ जिसकी वह एक चिन्ह है उसकी पकड़ से निकलकर छूट जाता है। उसका अस्तित्व क्यों सारे ब्रह्मांड में विकास क्रम धारा की केंद्र बनी है धरती अपने अस्तित्व के महत्व के बोध से फिर वंचित रह जाती है। सृजित धरा पर होने वाले क्रम विकास केंद्र से ब्रह्मांड विकास की यह एक प्रतीक रूप चाबी बनी हुई होने की पहेली को भी धरा ठीक ठीक नहीं जान पाती है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के द्रुपद पर हमें ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के द्रुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहे। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही।